वैसे तो ये आपको दिख रहे होंगे प्लांट अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं दिखने में, और सब सही है, सब बढ़िया है, अच्छे से सब ग्रो हो रहा है। लेकिन बहुत दिन हो गए मैंने जो है वो ये जो इनके ये स्लिप लगे हुए हैं जो मार्बल के मैंने लगवाए हुए हैं, ये मैंने बहुत दिन से साफ़ नहीं करे हैं। मैं आपको कंडीशन दिखाऊं तो ये देखिए ये थोड़े गंदे हो गए हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि ये जो आप तो खाली पॉट देख रहे होंगे बहुत कम ऐसा होता है, ये मैंने बहुत अरेंज करके कल या परसों में मैंने अडेनियम का, मेरे पास सिर्फ एक ही प्लांट है वो भी नॉर्मल है, तो मैं इन दोनों के लिए एक ग्राफ्टेड वाला अडेनियम लाऊंगा, तो मैंने दो पॉट उसके लिए खाली करे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो इनकी बेस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत है। ये देखिए आप ये जो पॉट रखते हैं हम उसका सर्किल है वो उसके निशान पड़ गए हैं। अब मैं करूँगा क्या, ये जितने भी प्लांट रखे हुए हैं स्लेब पे इन सबको मैं यहाँ से हटा के पूरा खाली कर दूँगा, और खाली करने के बाद मैं अच्छे से इनको सरफ से साफ़ करके फिर मैं इनको दोबारा से रखूँगा। और इधर जो ये इंडोर वाले प्लांट है ना वहाँ तो धूप लगती रहती है तो थोड़ा सूख जाता है, और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है क्योंकि ये इंडोर है तो यहाँ पे धूप नहीं लगती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है ये सब, ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है। और ये जो मैंने ये लकड़ी के प्लैंक लगाए हुए हैं ये भी थोड़े गंदे हो गए हैं क्योंकि वक्त के साथ, इनको 1-1.5 साल हो गया है, तो वक्त के साथ जो होता है ना इनके इनका जो इनके अंदर हार्डनेस इनके इनके अंदर जो है वो ड्राइनेस आ गई है, और इनको भी थोड़ा सा मेकओवर की ज़रूरत है। तो आज का जो सैटरडे का दिन है तो आज जो मेरा काम करने का जो मैं सोच रहा हूँ वो यही है कि पहले मैं सारे के सारे प्लांट हटाऊँगा, ये मैं जो स्लेप है ये जो रैग लगे हुए हैं इनको मार्बल वाले इनको अच्छे से सरफ से इन चीज़ों से साफ़ करूँगा, और उसके बाद मैं जो नीचे वुड वाले प्लैंक हैं मैं इधर दिखाऊँ ना इस वाली साइड पे तो काफ़ी ज़्यादा इनको मरम्मत की ज़रूरत है। ये देखिए ये जो है ना ये आप निशान देख रहे हैं, ये निशान दरअसल मैंने NPK का एक स्प्रे करा था, ये उसकी वजह से हो गए, जो मुझे थोड़ा मैंने रफली कर दिया था उस वजह से हो गए शायद। तो मैं इनके लिए ये जो वुड के प्लैंक है इनके लिए मैं एक स्प्रे पेंट लाऊंगा, सारे प्लैंक निकालूंगा और इन प्लैंक पे मैं स्प्रे करूंगा, सुखाऊंगा और फिर बाद में इनको वापस लगाऊंगा। तो आज का तो प्रोसेस यही है, बाकी देखते हैं, टाइम तो लगेगा पूरा का पूरा दिन आज ही से मैं लग जाएगा क्योंकि सफाई करने में और ये प्लैंक को रीपेंट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो सब प्लांट गायब, मैंने यहाँ से सारे प्लांट हटा दिए हैं, अब देखते हैं सच्चाई असली। ये देख इधर भी नहीं है, देखिए ये देखिए, आप कितना ही डेली सफाई कर ले लेकिन एक प्रॉपर सफाई की तो ज़रूरत पड़ती ही है। और ये जो प्लैंक है ये भी देखिए कितने ख़राब हो गए। तो जैसे कि मैंने बताया अब इनको जो है सर्फ से साफ़ करेंगे और इन पे थोड़ा पेंट करेंगे। प्लांट बहुत ज़्यादा थे, पॉट भी बहुत ज़्यादा थे, ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे से अकेले से नहीं हुआ, मैंने हेल्प ली और फिर मैंने यहाँ पे सारे के सारे प्लेस करे हैं। और लास्ट में जो एंड है ना वो आप बहुत दूर है, वो ये काफ़ी मतलब करीबन 20 फीट का एरिया तो होगा जिसमें मैंने सारे रखे हैं। तो हमने प्लैंक निकाल लिए हैं जो नीचे लगाए हुए थे वहाँ पे तीसरे नंबर की रो पे, और ये मैंने एक स्प्रे पेंट मंगाया, मैंने वुड कलर का मंगाया था लेकिन मिला नहीं, ये कॉपर का मिला है, कॉपर कलर का, तो हम इसी से काम चलाएंगे। करने से पहले हम इसे थोड़ा शेक कर लेंगे। धूप बहुत तेज़ हो रही है, आराम से जो बहुत जल्दी सूख जाएगा ये, पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बारिश ना आ जाए। तो ये देखिए एक पे इस पे पेंट नहीं हुआ है अभी और इस पे पेंट हो गया है, उस पे भी कर लेते हैं। तो अब ये शाम का समय हो गया, करीबन सुबह हमने काम स्टार्ट किया था, और ये देखिए हमने ये जितने भी ये मार्बल के स्लेप हैं वो सब साफ़ कर लिए हैं, अब ये बिल्कुल चमक गए हैं बिल्कुल एकदम, सारे जो पॉट्स के जो निशान थे वो हट गए हैं, और ये हमने प्लैंक जो है ये पेंट भी कर लिए हैं इधर भी। तो
तो बस अब क्या करेंगे, अब इसमें धीरे धीरे एक एक करके वो पॉट रखने स्टार्ट करेंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, रात भर मैंने ये जो है पॉट जो है वो सेट किए हैं, रात को किए हैं करीबन, टाइम काफ़ी हो गया था क्योंकि इनको एडजस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर मैं दिखाऊँ तो अब ये काफ़ी क्लीन हो गया है, ये देखिए पहले से तो अच्छा ही दिख रहा है, और जो इस इनकी स्लेप है वो भी क्लीन हो गए हैं। तो टाइम टू टाइम ये करना पड़ता है क्योंकि आप पॉट में पानी देते हैं और पानी जो है वो हमारा सिस्टम ऐसा है कि वो एक्सेस वाटर बाहर निकल जाता है, तो वो स्लेप पे इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे जो है वो पॉट के निशान जम जाते हैं। तो टाइम टू टाइम इसकी क्लीनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। तो फिर ये था वीडियो कि मैंने कैसे अपने पूरा सिस्टम ये जो लगाया हुआ है, पूरा पॉट्स रखे हुए हैं उनको कैसे क्लीन किया, कैसे पेंट किया, तो ये वीडियो उसके बारे में था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और शेयर भी कीजिएगा।